दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ जैम की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो चीज़ें करने वाले हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद जब प्रोडक्ट को रिसीव किया जाता है उसके बाद जो बिलिंग प्रोसेस होता है वो देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो को दोनों ही पार्ट में बना रखा है, प्रोडक्ट को ऑर्डर करना उसके बाद बिल को प्रोसेस करना, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आप जब डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ डैशबोर्ड पे आपको यहाँ जो ऑल कैटेगरी मिलती है, ऑल कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पर सर्च करना होता है। अभी हम यहाँ पर UPS इन्वर्टर सर्च करने वाले हैं। जब इसको हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। कई बार होता है कि प्रोडक्ट नहीं आ पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट का कुछ जो कीवर्ड है उसको टाइप करके छोड़ दीजिए, बाद में आपको नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो प्रोडक्ट दिखाएगा और वहाँ पे आप क्लिक करके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे UPS इन्वर्टर जो है मैंने सर्च किया है। अब यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस ऑप्शन में आपको जो है लाइन इंटरेक्टिव UPS दिख रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको फिल्टर लगाने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मुझे इसमें फ़िल्टर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे एक नॉर्मल UPS इन्वर्टर चाहिए जो कि मैं बिना फिल्टर लगाए भी सर्च कर सकता हूँ और उसका स्पेसिफिकेशन देख सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसमें से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करिए और फिर उस प्रोडक्ट को आप ओपन कर दीजिए उसका स्पेसिफिकेशन देखने के लिए। तो अभी मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन नीचे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट और बिड आरे मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट परचेज करना है क्योंकि ये 25,000 से कम है और 25,000 से कम आप डायरेक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम सिलेक्ट करेंगे, कंसाइनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे। क्वांटिटी डालने के बाद इसे ऐड टू कार्ट करें। याद रखिए जब ऐड टू कार्ट करते हैं और आपको इसके अलावा और भी प्रोडक्ट चाहिए तो देखिए जैसे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे और भी प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, तो होगा क्या कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और बाई करेंगे तो आपका बिल जो है बहुत सारा, मान लीजिए 5 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे तो 5 अलग अलग बिल बनेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि 5 प्रोडक्ट को आप कार्ट में ऐड करिए। हो सकता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने जो कि एक ही कार्ट में ऐड है, यानी कि इनका जो बिल है वो एक ही बनेगा। अगर मैंने इनको अलग अलग परचेज किया तो मेरे 2 बिल बनेंगे। तो अगर आपके 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट होते हैं तो क्या करें आप, पहले सबको कार्ट में ऐड करें। इससे क्या होगा कि जो मिलता जुलता आइटम होगा या एक ही सेलर के पास जो प्रोडक्ट होगा उसका बिल एक ही बनेगा ऑटोमेटिक। तो आप सबसे पहले सारे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करें। कार्ट में ऐड करते हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ ऐड होगा, हो सकता है वहाँ पे भी अलग अलग हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो बिल है वो एक ही बनेगा। 2 या 3 या 4 या 2 प्रोडक्ट जो है वो एक साथ जो है उनका बिल बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने पहले कार्ट में ऐड किया था, दूसरा ऐड किया तो दोनों एक साथ आ गया। अब क्या होगा कि इन दोनों का बिल जो है एक ही बन जाएगा। तो इस तरह से आपको कार्ट में ऐड करना है और उसके बाद जो है प्रोडक्ट को परचेज करना है। चलिए अब परचेज का अगला प्रोसेस देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, 1 या 2 या 4, मैंने 2 ऐड किया था, उसको मैंने परचेज किया पर उसका वीडियो किसी वजह से मिस हो गया था, तो मैं यहाँ दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे कार्ट में ऐड करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट के बाद डायरेक्ट परचेज करना है, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट या एज पर डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपका जो है अप्रूवल भर दीजिए। जो स्टैंडर्ड एफ मार्किंग देख रहे हैं उसको भरना जरूरी है, उसको भर दीजिए। यहाँ पे आप अप्रूवल जो है वो पीडीएफ में अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ में अपलोड करने के बाद बस आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, आपका जो ये प्रोडक्ट है वो ऑर्डर हो जाएगा। अब दोस्तों प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद जब प्रोडक्ट रिसीव होता है तो रिसीव होने के बाद क्या करते हैं हम बिल को जनरेट करते हैं या बिल का प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेस को भी मैं बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि आपको वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू। एक्सेप्ट करेंगे और अब बस लास्ट जो है आप यहाँ वेरीफाई विद ओटीपी कर दीजिए, आपके फोन पे ओटीपी आएगा और ये ऑर्डर आपका सक्सेसफुल प्लेस हो जाएगा। तो इसके बाद जब प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद बिलिंग का प्रोसेस चलिए देखते हैं। बिलिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके लिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोडक्ट में जाना है। तो यहाँ डैशबोर्ड पे जाइए। डैशबोर्ड पे जाने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर में जाइए। प्रोडक्ट ऑर्डर में ऑल कॉन्टैक्ट पे जाना है। यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाएगा वहां पर आपको प्रोसेस ऑर्डर की बटन मिलेगी। यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में आपको बटन मिल रही है। ये जो प्रोसेस ऑर्डर की बटन मिल रही है ये क्या होता है कि जब सेलर आपको प्रोडक्ट सेंड कर देता है, सेंड करने के बाद वो अपनी तरफ से ये प्रोसेस कर देता है कि मैंने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है, तब आपको ये बटन मिलती है प्रोसेस ऑर्डर का। तो अब आपको प्रोसेस ऑर्डर करना है यानी कि आपने प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया है, तो यहाँ प्रोसेस ऑर्डर पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद देखिए प्रोसेस सीआरएसी आता है, तो सीआरएसी हमें जनरेट करना होता है बेसिकली। यहाँ पे आप इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। एक आपके पास इनवॉइस आ गया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी इनवॉइस को खोलेंगे तो आपको यहाँ टैक्स इनवॉइस का एक जो है लिंक मिलेगा। कई बार क्या होता है प्रोडक्ट के साथ भी टैक्स इनवॉइस आता है, अगर नहीं आया है तो आप यहाँ से इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से टैक्स इनवॉइस डाउनलोड कर लीजिए। दो चीज़ें आपके पास हो गई, टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसेस सीआरएसी पे करना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप जो है डिलीवरी डेट और इनवॉइस नंबर वगैरह डाल दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ फिर से वेरीफाई विद ओटीपी करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उससे आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका क्या होगा, सीआरएसी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ ओटीपी डाल दिया है। अभी देखिए यहाँ पे जो है ये वेरीफाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सीआरएसी भी मिल गया मुझे सीआरएसी। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड में फिर से ऑल कॉन्टैक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है कॉन्टैक्ट नंबर पे। कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें और मिलती हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल जो कि आपके पास पहले से होगा जो आपने अपलोड किया होगा, और सेंक्शन ऑर्डर और कॉन्टैक्ट ऑर्डर। तो आप इन तीनों को भी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए और आपका जो बिलिंग का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और आप इसी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं।